आज की बड़ी खबर में से एक है, राजधानी दिल्ली में सोनिया गांधी को लेकर जो लगातार प्रदर्शन हो रहे, इसके अलावा कांग्रेस की ओर से जो अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल मामला है ईडी के ओर से भेजा गया समन। दिल्ली के ईडी दफ्तर में इस वक्त पूछताछ की जा रही है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से, और उनके साथ राहुल और प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर में मौजूद है। सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सवाल किए जाने हैं, लेकिन इन सबके बीच दिल्ली समेत देश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता उतर आए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जिस वक्त काफिला निकला था, सोनिया गांधी के अंदर प्रियंका गांधी नजर आ रही है, उनके साथ राहुल गांधी और साथ ही सोनिया गांधी, तीनों ईडी के दफ्तर पहुंचे जहां पूछताछ होनी। राहुल गांधी देखिए गाड़ी के बिल्कुल आगे बैठे हुए हैं, पीछे सोनिया गांधी और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और सोनिया गांधी किस आपको बता दें कि लगातार उनको कई सारे समन भेजे गए थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से, फिर कोविड की वजह से वो पेश नहीं हो पाई थी। राहुल गांधी की पेशी हो चुकी है, बिल्कुल देखिए राहुल गांधी की पेशी हो चुकी है। और जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया था पूछताछ के लिए, उस वक्त भी कुछ इसी तरीके का हंगामा देखने को मिला था, आज भी कुछ इसी तरीके का हंगामा है। वही आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि सत्ता पक्ष हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है ताकि कांग्रेस की उभरती आवाज को, मुखर होती आवाज को दबाया जा सके। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि सिर्फ परेशान करने के लिए ही एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सर, आज आप लोगों ने राज्यसभा लोकसभा में भी ये मसला उठाया, बाहर भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार का कहना है कि शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी क्यों करना चाहती है? शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। हम कल क्या किए थे कि प्राइस राइज और जो वस्तुओं की चीजें, अवश्य वस्तुओं की चीजें बढ़े हैं, उसके लिए तो हम लड़ रहे थे, उसको भी उन्होंने चर्चा के लिए सम्मति नहीं जताई। आज भी हम वही उठाए थे, उसके साथ साथ में ईडी सीबीआई का जैसा दुरुपयोग हो रहा है अपोजिशन पार्टी के लोगों के ऊपर, और जो लोग उनके पार्टी में, उनके ऊपर ऐसा ही ईडी का वो केसेस किए थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से जब बीजेपी में जाते हैं वो पवित्र बन जाते हैं, और जब तक वो कांग्रेस में और दूसरे अपोजिशन पार्टी में रहते हैं तो अपवित्र बनते हैं, करप्ट होते हैं। तो ये उनकी आदत है डराने की, लेकिन डरने की आदत हमारी नहीं। सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है सर, आगे बढ़ने नहीं दिया गया, पिछली बार भी ऐसा किया गया था, आपको लगता है कि सरकार वहां तक आप ना पहुंचे, इसके लिए ये सारा ऐसा ही नाटक है, हैरेसमेंट करना चाहते हैं, करने दो, देखिए हैरेसमेंट करना चाहते हैं। ये आरोप नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर लगा रहे हैं। कैंपस सुशील के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।